दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कौन सा टेलीविज़न आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे पांच टेलीविज़न साइजेस, 32 इंचेस, 43 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस एंड 75 इंचेस। इन पांचों साइजेस में जो भी टीवी आपके लिए बेस्ट होगा वो हम लोग आज आपको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कौन कौन से वो टीवीज़ हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, अभी चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे है MI का 80 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंचेस का एक HD रेडी टीवी। 32 इंचेस में आपको ज़्यादातर HD रेडी टीवीज ही मिलेंगे। इसके कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये गूगल टीवी है, इसके कुछ फीचर्स अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको 20 वाट्स का स्पीकर मिल जाएगा, डॉल्बी ऑडियो का स्पीकर मिलेगा, विविड पिक्चर इंजन यानी कि बहुत ही कॉन्ट्रास्ट वाला इमेज आपको देखने को मिलेगा, प्रीमियम मेटल बेजल डिज़ाइन। जो ये बेजल्स है, ये बेजल्स सब मेटल के बने हुए हैं, तो काफ़ी मतलब आपका अच्छा होने वाला है, बहुत ही स्ट्रांग होगा। DTS का वर्चुअल एक्स का सपोर्ट मिलेगा, गूगल टीवी मिल जाएगा, ओके गूगल यानी कि गूगल असिस्टेंट मिल जाएगा, लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 मिलेगा। ये लेटेस्ट नहीं है, पर जब यह टीवी लॉन्च होता तब यह लेटेस्ट था, पर अभी आप लोग खरीदेंगे तो आपको शायद एंड्रॉयड 14 ही मिल सकता है। इसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ये HD रेडी टीवी है, इसमें आपको 1.5 GB तक का रैम मिल जाएगा। और क्या कुछ फीचर्स है, तो यहाँ पे आपको 75 प्लस फ्री लाइव चैनल्स देखने को मिलेगा, और बाकी सब यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको फ्री चैनल्स मिल जाएगा, आपको सेट टॉप बॉक्स का भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और पोर्ट्स के लेआउट देखें तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक, AV इनपुट, इथरनेट, USB 2.0 का दो पोर्ट्स मिल जाएगा, HDMI का दो पोर्ट मिल जाएगा, और रिमोट भी काफ़ी स्लीक रिमोट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्या कुछ फीचर्स है, तो यह 32 इंचेस का LED टीवी है, 720p तक का आपका रेजोल्यूशन है, रियल रेजोल्यूशन इसका 1366x768 pixels, 60Hz का रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, क्विक म्यूट, क्विक वेक और क्विक सेटिंग्स का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा, और दो HDMI पोर्ट्स तो आपको मिलता है। और क्या कुछ फीचर्स है, गूगल TV है, इनबिल्ट वाईफाई मिल जाएगा, स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं, 1.5 GB का रैम, 8 GB इसका स्टोरेज, और ऐप्स की अगर बात करें तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, ये सब कुछ मिल जाता है, वॉइस कंट्रोल, गूगल ऑप ये तो मिलता है, गूगल असिस्टेंट तो मिलता है। साथ ही में इसमें आपको एक साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है और एक्स्ट्रा एडिशनल एक साल पैनल के ऊपर वारंटी मिल जाता है। तो ये 32 इंचेस का टीवी है, आज के डेट में अमेजोन में इसका प्राइस चल रहा है 11,990 rupees। अभी चलते हैं 43 इंचेस टीवी में। तो 43 इंचेस के लिए मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है तोशिबा का 108 सेंटीमीटर 43 इंचेस का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED गूगल टीवी। ये बहुत ही बेहतरीन टीवी है, अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ के देखें तो जापान का नंबर वन टीवी ब्रांड तोशिबा है। तो यहाँ पे आपको सुपर 4K अपस्केलिंग का सपोर्ट मिल जाएगा AI की तरफ से, कलर रिमास्टर हो जाता है, डॉल्बी विजन एटमोस का सपोर्ट मिलता है यानी कि डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमोस दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा, रेजगा इंजन मिलता है, रेजगा इंजन का अपना प्रोसेसर है तो बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर होने वाला है। क्या कुछ फीचर्स आते हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स के नाम पे आपको AI 4K अपस्केलिंग मिल जाएगा, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमोस मिल जाएगा, HDR10 का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे रेजगा का इंजन ZR जो इनका प्रोसेसर है प्रोसेसर मिलता है, स्पोर्ट्स मोड मिलता है और गेम मोड भी मिलता है यानी कि आप लोग इस टीवी में गेम भी खेल सकते हैं अगर आप लोग CPU कनेक्ट करें या फिर आपका जो भी PlayStation Xbox हो वो कनेक्ट करके आप लोग खेल पाएंगे। और क्या फीचर्स है, बहुत सारे ऐप्स का फीचर मिल जाता है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिजनी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब, वूट, डिस्कवरी, गूगल प्ले स्टोर सब कुछ मिलता है। और क्या है, 43 इंचेस का साइज़ है, बाकी डायमेंशन सब कुछ दिया गया है, वारंटी कार्ड। टीवी के बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक टीवी मिल जाएगा, एक रिमोट मिलेगा, टेबल स्टैंड मिलेगा दो, एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा और मैनुअल मिलेगा, दो बैटरीज भी मिलेगा यानी कि बैटरी आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से खुद आता है। रिमोट देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर रिमोट मिलता है, जो भी ऐप्स हैं आपके OTT ऐप्स वो इनबिल्ट रिमोट में आते हैं और इसमें आपको गूगल असिस्टेंट यानी कि वॉइस कंट्रोल का भी सपोर्ट मिलता है और टीवी का डायमेंशन कुछ ऐसा दिखता है। और क्या कुछ सपोर्ट है वो भी देखेंगे, 60Hz का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 43 इंचेस का टीवी है, यहाँ पे आपको HLG, HDR10, डॉल्बी डिजिटल, गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग ये सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको रिमोट का बैटरी भी मिलता है, 4K अल्ट्रा HD अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो 3840x2160 pixels का यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट्स सेटअप बॉक्स के लिए, 2 USB पोर्ट्स, 1 ईथरनेट पोर्ट, 1 ब्लूटूथ, बिल्ट इन वाईफाई मिल जाता है, एक ईयरफोन जैक मिलता है, एक डिजिटल आउटपुट SPDIF जैक मिलता है। और क्या मिलता है, 24 वाट्स का यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, आपको जो MI था MI में आपको 20 वाट्स का मिल रहा था, यहाँ पे आपको 24 वाट्स का मिलेगा, डॉल्बी एटमोस और डॉल्बी डिजिटल सब कुछ का सपोर्ट रहता है यहाँ पे, गूगल TV, गूगल असिस्टेंट, वॉइस कमांड ये सब कुछ मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो 178 डिग्रीज का वाइड व्यूइंग एंगल मिल जाएगा यहाँ पे आपको, यानी कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक IPS पैनल है, अगर 178 डिग्रीज का आपको व्यूइंग एंगल मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा है। वारंटी की बात करें तो 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी यहाँ पे आपको मिलता है तोशिबा की तरफ से। और बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ,
अगर रैम की बात करें तो एमआई में आपको 1.5 GB मिलता था, यहाँ पे आपको 2 GB रैम मिल जाएगा। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। अभी देखते हैं 55 इंचेस में, सॉरी इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता दूँ, तोशिबा का आज का डेट में प्राइस क्या चल रहा है। तो 43 इंचेस का तोशिबा का आज का डेट का प्राइस है 24,999 रुपीज़। अभी चलते हैं और देखते हैं कि 55 इंचेस में कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो 55 इंचेस में मैंने सिलेक्ट किया है एसर का 139 सेंटीमीटर 55 इंचेस का एच प्रो सीरीज़ का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED गूगल टीवी। बहुत बड़ा नाम है, साथ ही साथ इसका फीचर्स भी बहुत बढ़िया है। ये एक गूगल टीवी है, बिल्कुल ही फ्रेमलेस डिज़ाइन के साथ आता है। 55 इंचेस का अल्ट्रा HD टीवी है, डॉल्बी एटमोस, डुअल वूफर मिलता है, डुअल ट्विटर मिलता है, डुअल एम्पलीफायर मिलता है, 76 वाट्स का स्पीकर मिल जाता है, बहुत ही पावरफुल स्पीकर है। और क्या कुछ सपोर्ट है यहाँ पे देख लेते हैं, HDR10 मिलता है, प्रो स्पीकर मिलता है, फ्रेमलेस डिज़ाइन है, और गूगल प्ले, ओके गूगल, क्रोमकास्ट सब कुछ मिल जाता है। ये मेड इन इंडिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप्स भी आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे, जैसे प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, और बाकी आप लोग चाहे तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से। रिमोट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन में मिल जाता है रिमोट। टीवी के यहाँ पे आपको साइजेस सब कुछ दिखा रहा है कि स्टैंड के साथ कितना है, स्टैंड को छोड़ के कितना है। बाकी और भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो ये भी एक 60Hz का रिफ्रेश रेट वाला टीवी है, 55 इंचेस का है। और सर्टिफिकेशन के लिए गूगल टीवी, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमोस, डुअल एम्पलीफायर, 2-way ब्लूटूथ मिल जाता है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मिलता है, ब्लू लाइट रिडक्शन मिलता है, डायनेमिक सिग्नल कैलिब्रेशन मिलता है, वाइट कलर गैमट मिल जाता है, 1.07 बिलियन कलर्स का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, HDR10 विद HLG मिल जाता है, 4K अपस्केलिंग हो जाएगा और डिजिटल नॉइज रिडक्शन कर देगा सुपर ब्राइटनेस के साथ। 16.9 का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, एक LED टीवी मिलता है, एक रिमोट मिलता है, एक यूज़र मैनुअल मिलता है, 2 टेबल टॉप स्टैंड मिलता है और 6 स्क्रू मिल जाते हैं। और क्या है, तो रिजोल्यूशन की बात करें तो 3840x2160 60Hz का रिफ्रेश रेट के साथ डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, 2-way ब्लूटूथ मिल जाएगा, HDMI पोर्ट्स आपको यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, और साथ ही में आप लोग इसको कंप्यूटर, लैपटॉप, सेटअप बॉक्स, ब्लूरे स्पीकर्स किसी का और गेमिंग कंसोल किसी के साथ भी आप लोग चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। USB 2.0 पोर्ट्स मिल जाते हैं, 3.0 पोर्ट भी मिलता है यहाँ पे आपको, क्योंकि आप हार्ड ड्राइव या फिर USB चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। 76 वाट का प्रो स्पीकर मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करें तो 2 GB का रैम, 16 GB का स्टोरेज मिल जाता है, 64 बिट्स का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाएगा, तो प्रोसेसर भी काफ़ी पावरफुल यहाँ पे आपको मिलने वाला है, 4K अपस्केलिंग हो जाएगा, कलर सपोर्ट तो बहुत सारा है, 178 डिग्रीज का वाइड व्यूइंग एंगल्स मिल जाएगा। इसमें आपको 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 2 साल का पैरेंट के ऊपर वारंटी मिल जाता है। तो ये सब तो फीचर्स हो गए, 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव और 2 साल का पैरेंट के ऊपर वारंटी। आज के डेट में इस 55 इंचेस टीवी का प्राइस अमेजोन के ऊपर है 31,999 रुपीज़। तो 55 इंचेस का आप लोग करीब करीब 32,000 के आसपास खरीद सकते हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं 65 इंचेस में कौन सा टीवी बेस्ट होने वाला है। तो 65 इंचेस में हमने सिलेक्ट किया है वू के तरफ से आने वाला मास्टर सीरीज़ का, मास्टर भी इसका सीरीज़ 4KQLED टीवी, अरमानी गोल्ड इसका नाम है। क्यों अरमानी गोल्ड है वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग डेमो के लिए इसमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर में। क्या क्या फीचर्स है, QLED मिलता है, रिफ्रेश रेट की बात करें अभी तक हमने जितने भी TVs देखा था वहाँ पे 60Hz है, इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 800 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा क्योंकि सुपर ब्राइट डिस्प्ले होने वाला है, फुल एरे का लोकल डिमिंग सपोर्ट मिल जाता है, HDR10+ मिलता है, फिल्म मेकर मोड मिल जाता है, सिनेमा मोड, क्रिकेट मोड, सब मोड्स मिलते हैं। और क्या फीचर्स है, बिल्ट इन 4.1 स्पीकर है सबवूफर के साथ, सबवूफर बेस में आपको बिल्ट इन मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस मिलता है, फार फील्ड माइक मिल जाता है गूगल असिस्टेंट के साथ, HDMI 2.1 मिलता है, डॉल्बी विजन IQ मिल जाता है, एडवांस GPU प्लस APU मिलता है, AMD का फ्री सिंक मिल जाता है इसमें आपको, जैसे अच्छे मॉनिटर्स में AMD फ्री सिंक होता है, इस टीवी में आपको AMD फ्री सिंक मिलता है। और क्या अच्छा, अभी तक आपने जितने भी टीवीज देखे उनमें 1.5 GB या फिर 2 GB रैम था, इसमें आपको 3 GB रैम, 32 GB का स्टोरेज मिलता है, तो काफ़ी एडवांस है टीवी होने वाला है। आपके पास यहाँ पे इनबिल्ट नेटफ्लिक्स, यूट्यूब म्यूजिक, प्राइम वीडियो, ये सब ऐप्स तो होते हैं, हॉटस्टार भी है, रिमोट भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, IR रिमोट है, ब्लूटूथ रिमोट, दोनों के साथ ये सपोर्ट जाता है, प्रीमियम ऐप्स आपको यहाँ पे इनबिल्ड मिलते हैं और वॉइस सर्च भी आप लोग चाहे तो इसमें कर सकते हैं। टीवी का साइज़ दिया गया है, अगर वेट देखें बिना बेस के साथ तो 19.1 किलोग्राम्स का, और बेस के साथ 19.1 किलोग्राम्स और विदाउट बेस 18.5 किलोग्राम्स, तो काफ़ी हैवी होने वाला है क्योंकि टीवी का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, तो हैवी तो थोड़ा बहुत होगा ही। फीचर्स इसमें देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिया। QLED टीवी है, 4K एट द रेट 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। अगर रिफ्रेश रेट का मतलब पीक रिफ्रेश रेट बात करें तो 240Hz तक जा सकता है मोशन रेट, 800 pix का नीट ब्राइटनेस, नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है, 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज का मिलता है,
बॉक्स में आपको एक टीवी यूनिट, एक रिमोट कंट्रोल, एक पावर कॉर्ड, यूजर मैनुअल, टेबल माउंट स्टैंड, वेजा वॉल माउंट ब्रैकेट और 2 AAA बैटरीज मिल जाएंगे, यानी कि जो छोटे छोटे बैटरीज होते हैं वो छोटे छोटे बैटरीज आपको मिल जाएंगे। तो ये सब तो फीचर्स की बात हो गई, और क्या फीचर्स है तो क्यों आपको यहाँ पे अरमानी गोल्ड देगा वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि अरमानी गोल्ड यहाँ पे आया कहाँ से। तो इनके जो स्टैंड्स हैं ये पूरे अरमानी गोल्ड एस्थेटिक्स के साथ मतलब बनाया गया है, प्रीमियम मेटल बॉडी का डिज़ाइन, मतलब ये जो पूरा आप लोग देख रहे हैं पैनल्स, ये पूरा पैनल मेटल का बना हुआ है, बेजल लेड डिस्प्ले है, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, 800 निट्स का तो ब्राइटनेस हो गया, और फुल एरे लोकल डिमिंग सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए जो सब ऊफर का बात हो रहा था, यहाँ पे नॉर्मल स्पीकर नहीं, सब ऊफर मिलता है, 100 वाट साउंड मिल जाता है यहाँ पे आपको, बाकी में 76 वाट्स थे, 20 वाट्स थे, 15 वाट्स थे, 100 वाट्स का सब ऊफर मिलेगा, 4.1 स्पीकर, सिनेमा मोड, फिल्म मेकर मोड तो मिलता ही है, क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें भी आपको मिल जाता है, 1.7 गीगाहर्ट्ज़ तक का यह सपोर्ट करता है या फिर पीक क्लॉक स्पीड है, 3 GB का रैम, 32 GB का स्टोरेज और गूगल टीवी ओएस का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, गेमिंग मोड मिलता है क्योंकि आप लोग इसमें चाहे तो 4K 144 हर्ट्ज़ तक गेमिंग कर सकते हैं, AMD फ्रीसिंग मिल जाता है और VRR ALLM सपोर्ट मिलता है, HDMI 2.1 मिल जाता है, क्रिकेट मोड भी इसमें आपको मिलता है। तो देखते हैं कि 55 इंचेस का आज के डेट में प्राइस कितना है, तो इसका आज का प्राइस है 62,990 रुपीज़। वारंटी की बात करते हैं कि वारंटी कितना आ जाता है, तो वारंटी भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अमेज़न के हिसाब से यहाँ पे आपको 1 ईयर का वारंटी केयर मिल जाता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि 1 साल का वारंटी तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। अभी देखते हैं कि 75 इंचेस में कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, 65 से भी 75 और 10 इंच बड़ा होता है, तो 75 इंचेस में भी हमने आपके लिए वूगा टीवी सिलेक्ट किया क्योंकि इसका फीचर्स बाकी कंपटीशन से आप LG कहे या फिर सैमसंग उनसे बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे आपको 75 इंचेस का मास्टरपीस सीरीज का 4K QLED टीवी मिलता है, यह भी अरमानी गोल्ड फिनिश में बना हुआ है, यह वी कैलिफोर्निया की तरफ से आता है। फीचर्स देख लेते हैं तो QLED टीवी, 144 Hz, 800 निट्स का पीक ब्राइटनेस, फुल एरे लोकल डिमिंग, HDR10+, फिल्म मेकर मोड, फीचर्स करीब करीब सब कुछ सेम यहाँ पे आपको मिलने वाला है, वो भी डॉल्बी 4.1 जो स्पीकर है, 3 GB का रैम, 32 GB का रोम, बस इसका साइज बड़ा होने वाला है 10 इंचेस तक का, यानी कि आपको हर एक साइड से यह 10 इंचेस बड़ा होगा। फीचर्स बाकी ये भी अरमानी गोल्ड एस्थेटिक्स के साथ आता है, AMD फ्रीसिंग इसमें भी आपको मिल जाता है, टीवी यूनिट, 2 बैटरीज, रिमोट कंट्रोल, ये सब आपको मिल जाता है, वाईफाई, USB, इथरनेट, HDMI जिससे भी चाहे आप लोग लगा के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बाकी फीचर्स देखें तो हाँ सेम करीब करीब सब कुछ सेम फीचर्स है। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो वूगा टीवी है ये एक इंडियन कंपनी है, हालांकि ये लोग चाइना से पार्ट्स मंगा के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सभी लोग सेम काम करते हैं, पर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे मुंबई का दिखा रहा है, यहाँ पे असेंबली होता है, यहाँ पे भी आपको 3 GB का रैम, 32 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। अगर आपको गेमिंग के लिए या फिर बहुत ही अच्छा मीडिया कंजम्पशन के लिए टीवी चाहिए तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वूगा टीवी बहुत ही बेहतरीन होता है, ये IPS पैनल के साथ आता है, अल्ट्रा HD, QHD ये तो हो गया, 4K हो गया, पर यहाँ पे आपको IPS मिल जाता है। तो IPS में क्या है कि आपको 178 डिग्रीज का वाइड व्यूइंग एंगल मिल जाता है, आप लोग किसी भी कोने से देखें अच्छा देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना है, 1 के बाद आप लोग गिन लीजिए कितना 0 से 1, तो हाई ब्राइटनेस मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सब कुछ मिलता है। इसमें भी आपको 100 वाट्स का स्पीकर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिखा रहा है, पर स्क्रीन में दिया गया है कि इसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज का। और अगर आइटम की मतलब इसके वेट की बात करें तो 29 किलोग्राम से इसका वेट है, बहुत ही मैसिव टीवी है। इसको आप लोग चाहे तो वॉल माउंट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे स्टैंड में भी लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप लोग कर सकते हैं। आज के रेट में इस 75 इंचेस टीवी का प्राइस है 1,04,990 रुपीज़, तो काफ़ी महंगा प्राइस है पर साइज भी बहुत ही बड़ा है 75 इंचेस। तो मैं आप लोगों को इससे आगे कि आप लोग खरीद लें, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक टीवी लेना ही है तो सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास जो कंपनी का आप लोग टीवी लेना चाहते हैं उसका सर्विस सेंटर या फिर आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, ये जब आप लोग इंश्योर कर लेते हैं फिर आप लोग मतलब कुछ भी तरीके से आप लोग टीवी को खरीद सकते हैं। अगर कंपनी का सर्विस कैसा है वो आप लोग इंटरनेट में चेक कर पाएंगे, चेक करने के बाद ही टीवी लीजिए। इतना पैसा जब आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा टीवी लेने का भी बहुत ज़रूरी है और आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को सैमसंग का टीवी इसीलिए सजेस्ट नहीं किया क्योंकि हमारे एरिया में सैमसंग का सर्विस उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बाकी कंपनीज के टीवी सजेस्ट किए हैं। यहाँ पे भी आप लोग अपने हिसाब से चेक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कर दीजिए कौन सा टीवी आपको बेहतरीन लगा या फिर कौन से टीवी के ऊपर आप लोग डिटेल्ड एक रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग रिव्यू देखना चाहते हैं, हम लोग वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और क्या है, आप लोग ये शेयर कर सकते हैं वीडियो अपने दोस्तों के साथ जिनको एक टीवी लेना है। अभी क्या है कि अमेज़न में
आपका चल रहा है ग्रेट फ्रीडम सेल, तो ग्रेट फ्रीडम सेल के लिए से 6 से 12 अगस्त तक बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट में मिल रही हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया, आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं इसी टाइम में। मॉनिटर का वीडियो देखना है, लैपटॉप का वीडियो देखना है, या फिर कोई भी चीज़ देखना है, स्क्रीन में आपको आ रहा है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।